में अपनी मांगों को लेकर जूड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। चौथे दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। तो वहीं हड़ताल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री ने जायज बताया। हड़ताली डॉक्टरों ने कहा है कि सुरक्षा वेतन वृद्धि की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं जूनियर डॉक्टरों से खास बातचीत की स्वास्थ्य संवाददाता ने। डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, हड़ताल के आज चौथा रोज है। आप देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज का परिसर है, पार्किंग स्थल है, जहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं और आज ये चौथा दिन है। बावजूद इन लोग के हड़ताल जारी है, इनका मांग क्या है ये जानने के लिए यहाँ पे कुछ जूनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं इसलिए? जी यहाँ पे पीजी इंटर्न और अंडर ग्रेजुएट सारे लेवल के लोग बैठे हुए हैं और हम अंडर ग्रेजुएट को बिलोंग करते हैं, तो हम स्पेशली हमारी यूजी स्टूडेंट की एक ही मांग है, हमारा बॉन्ड। हमारे हर लेवल पे हमें बॉन्ड के नाम पे रुकवा दिया जाता है। एमबीबीएस के बाद 2 साल का बॉन्ड, पीजी के बाद 2 साल का बॉन्ड, स्पेशलाइजेशन के बाद बॉन्ड। इस तरीके से हमारे बॉन्ड की पीरियड इतनी बढ़ जा रही है कि हम कंटिन्यूशन ऑफ स्टडी जो होता है वो हम फ्लो में नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही है, या तो बॉन्ड को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए या तो उसकी अवधि 2 साल से कम कर दी जाए। हड़ताल के चौथे दिन है, क्योंकि कौन प्रशासन से कौन कौन से अधिकारी आए, मंत्री आए, नेता आए, ऐसा कोई पहुंचे थे यहाँ? जी हमारी मीटिंग डीन मैम से लेके डीएमई सर से लेके हेल्थ सेक्रेटरी से लेके हेल्थ मिनिस्टर तक हुई है। और कल यहाँ के रायपुर के लोकल विधायक भी हमसे मिलने आए हुए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे जायज है और उस पर आगे बातचीत और कार्यवाही की जाएगी। और कोई हमें ऐसे अभी तक कोई रिटर्न नोटिस नहीं मिला जिसके लिए हमें। जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे बात करें तो मंत्री टीएस सिंहदेव जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनसे आप क्या बातचीत हुई? उन्होंने सारी हमारी जितनी भी मांगे थी उनको उन्होंने वाजिब बताया और उन्होंने मतलब वाजिब बताया और कहा कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। सिर्फ आश्वासन दिया और कहा कि वित्त मंत्रालय हमारे अंदर नहीं आता है, उसके लिए आप एक बार सीएम सर से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया, बस ये हमारे साथ हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि उनकी उन्होंने हमारी बातों को सहमति दी। तो इस तरह देखा जा सकता है, उनका कहना है कि इनके तमाम बातों को लेकर जिम्मेदार अधिकारी मंत्री तक इनकी बातें हो चुकी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं की, लिखित में ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।